सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AryRock टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हाइसेंस टीवी, व्यू टीवी और सैन्यो टीवी के 32 इंच मॉडल के बारे में। एंड आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या कंपैरिजन है तीनों के अंदर और क्या स्पेसिफिकेशंस तीनों में दी गई है, क्या प्राइस रखी गई है। एंड एक अपना ओपिनियन बताऊंगा इन तीनों के अंदर कौन सा टीवी बेस्ट हो सकता है आपके लिए। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो टीवी बिकते हैं वो 32 इंच के टीवीज़ बिकते हैं एंड सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड होती है इंडिया के अंदर। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैंने तीन टीवी जो रखे, एक हाइसेंस का 32 इंच मॉडल रखा है, एक व्यू सिनेमा मॉडल रखा हुआ है और यहाँ पे सान्यो काइज़न सीरीज़ का 32 इंच मॉडल यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे जो हाइसेंस टीवी है उसके अंदर आपको एक VA पैनल दिया गया है और इसके बाद मैं बात करूँ व्यू सिनेमा टीवी के बारे में तो व्यू सिनेमा में आपको IPS पैनल दिया गया है और साथ ही साथ सान्यो काइज़न सीरीज़ के अंदर भी आपको जो 32 इंच का मॉडल है उस पर आपको एक IPS पैनल दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रिफ्रेश रेट के बारे में तो तीनों ही टीवी के अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एंड अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो जो मुझे पता चली है जो हाइसेंस की टीवी है उसके अंदर आपको 300 से 400 nits तक की ब्राइटनेस मिल जाती है। व्यू सिनेमा टीवी में आपको 400 nits तक की ब्राइटनेस मिल जाएगी एंड जो सान्यो काइज़न टीवी है उसके अंदर आपको 300 से 350 nits तक की ब्राइटनेस मिल जाएगी। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, जो सान्यो टीवी है उसके अंदर आपको एक माइक्रो डिमिंग का फीचर मिल जाता है, साथ ही साथ उसमें आपको HDR तक का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साउंड आउटपुट के बारे में। जो हाइसेंस टीवी है उसके अंदर आपको 20 वॉट का स्पीकर मिल जाता है एंड सान्यो टीवी के अंदर भी आपको 20 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं। एंड लेकिन व्यू सिनेमा टीवी के अंदर जो उसकी पहचान है उसमें आपको एक 40 वॉट के स्पीकर दिए गए, साथ ही साथ तीनों टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि व्यू सिनेमा टीवी के अंदर एक बेटर आपको साउंड आउटपुट मिल रहा है क्योंकि वहाँ 40 वॉट के स्पीकर है एंड इवन कोई अदर कंपनी नहीं है जो 32 इंच मॉडल के अंदर आपको एक 40 वॉट के स्पीकर देती हो। सो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस व्यू सिनेमा टीवी से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तीनों टीवी में आपको एक 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया, साथ ही साथ तीनों टीवी में आपको माली 470 का GPU लगाया गया। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस तीनों टीवी में लगभग सेम सा मिल जाएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप तीनों टीवीज में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं बात करूँ रैम और स्टोरेज के बारे में, तो रैम और स्टोरेज में अगर आप हाइसेंस की बात करो तो उसमें आपको 1GB रैम एंड 8GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। साथ ही साथ आपकी बात करूँ व्यू सिनेमा टीवी के अंदर तो उसमें भी आपको 1GB रैम एंड 8GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर सान्यो टीवी ने आपको 1.5GB का रैम दी गई है और इसके अंदर आपको 8GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर सान्यो ने एक चीज़ अच्छी की, यहाँ पर थोड़ी उन्होंने आपको एक्स्ट्रा रैम दे रखी है 1.5GB, अभी तक शायद कोई और टीवी लेके भी नहीं आया। तो सान्यो ने यहाँ पर एक अच्छा चीज़ ये भी किया कि उन्होंने 1.5GB रैम यहाँ पर दी गई है। इससे क्या होगा कि आपका जो बूट टाइम है ज़्यादा बेटर हो सकता है और आपके जो एप्लीकेशन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीनों टीवी के पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो हाइसेंस है उसके अंदर आपको 2 HDMI पोर्ट दिए गए हैं और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। वहीं व्यू सिनेमा के अंदर आपको 2 HDMI पोर्ट दिए गए लेकिन एक ही USB वहाँ पे दिया गया है। और बात करूँ सान्यो काइज़न टीवी के बारे में तो उसमें आपको 3 HDMI पोर्ट दिए गए और 2 USB पोर्ट दिए गए। सो यहाँ पे क्लियर पता चलता है आपको जो पोर्ट्स में जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो आपको सान्यो टीवी के अंदर ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तीनों टीवी के अंदर आपको एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा एंड जितने भी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, हॉटस्टार, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सारी एप्लीकेशन आप इजीली इस पर रन कर सकते हैं। एंड इवन आपको कोई साइड लोड करना है तो एप्लीकेशन वो भी आप इसके ऊपर ईजिली कर सकते हैं। साथ ही साथ तीनों टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई सपोर्ट मिल जाएगा एंड गूगल क्रोमकास्ट भी इनबिल्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल वॉइस सर्च आपको मिल जाएगा तीनों टीवीज के अंदर एंड रिमोट के ऊपर आपको हॉट कीज मिल जाएगी, तो आपको एक इजी हो जाएगा, रिमोट के थ्रू भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस को स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों टीवी के प्राइस के बारे में। यहाँ पे जो हाइसेंस का टीवी है उसकी 500 रुपये प्राइस बढ़ चुकी है और इसकी जो करंट प्राइस है वो 12,500 रुपये हो चुकी है और ये आपको मल्टीपल ऑन साइट पे मिल जाएगा, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बताऊँ व्यू सिनेमा टीवी के बारे में तो इसकी प्राइस जो है 13,500 रुपये दिखाई दे रही है जो इसकी करंट प्राइस है एंड ये भी आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, लेकिन इसका इशू ये आ रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। एंड इसी के साथ मैं बात करूँ सान्यो काइज़न टीवी के बारे में तो इसका जो 32 इंच का मॉडल
मॉडल है, इसकी प्राइस रखी है 11,999 रुपये, यानी 12,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं इन तीनों टीवीज के अंदर से कौन सा टीवी हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा टीवी खरीदना चाहिए, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि आपको जब भी कोई टीवी लेना होता है ना, उसके आप पहले पैनल क्वालिटी देखिए, डिस्प्ले क्वालिटी देखिए, बाकी फीचर्स आप बाद में भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, डिस्प्ले को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, हाइसेंस का टीवी जब लॉन्च हुआ था तब उसमें 5 ईयर वारंटी मिल रही थी स्टार्टिंग स्टेज पे। तो उस टाइम पे अगर किसी ने टीवी परचेस कर लिया तो उस टाइम पे वो बेस्ट था, अपने प्राइस के हिसाब से एक 5 ईयर वारंटी का पैनल मिल रहा था तो उस पे। लेकिन उसके बाद अगर मैं व्यू सिनेमा टीवी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे टीवी आते हैं, आईपीएस पैनल दिए गए एंड 40 वॉट का स्पीकर उस पर दिया गया है। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन रखूँ तो मेरे को सान्यो काइज़न ज़्यादा बेटर लगता है, कम प्राइस में मिल रहा है मेरे को और इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। एक्स्ट्रा फीचर जो दिया गया है इसमें माइक्रो डीमिंग का फीचर दिया गया, साथ ही साथ ये HDR को सपोर्ट करता है। इवन इसके अंदर आपको 1.5 GB का रैम दिया गया जो एक्स्ट्रा है दूसरे टीवी के मुकाबले। एंड इसी के साथ आपको पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एक एडिशनल पोर्ट भी मिल जाता है आपको, यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, प्राइस भी मुझे कम देना पड़ रहा है और एक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो इसके अंदर ज़्यादा मुझे बेटर मिल रहे हैं। सो ओवरऑल सान्यो काइज़न इस टाइम पर अगर आप कोई टीवी परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको सान्यो के बाद कोई टीवी परचेस करना है तो मैं आपको दूंगा व्यू सिनेमा टीवी परचेस कर लीजिए, वो अगर मिल जाता है तो। लेकिन जो मेरा फर्स्ट चॉइस है वो रहेगा सान्यो काइज़न सीरीज 32 इंच 2020 मॉडल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, अगले वीडियो में जल्दी मिलती है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।